सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, अगर आप भी अपना क्लोज रेंज एंड जिगल परफेक्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखते रहना। तो गाइज, पहले अपन बात कर लेते हैं जिगल के बारे में। तो देखो, जिगल जो है तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो अपने क्लोज रेंज में होता है, एंड सेकंड जो मिड रेंज में, एंड थर्ड जो होता है वो लॉन्ग रेंज के लिए। तो गाइज देखो, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप क्लोज रेंज में फाइट ले रहे हो तो आपको वहाँ पे स्मॉल जिगल करना है, ताकि एनिमी आपको ट्रेस ना कर पाए। आप जितना स्मॉल जिगल करोगे आपका मूवमेंट उतना फास्ट दिखेगा अपोनेंट के साइड में। तो हाँ, अगर आप क्लोज रेंज में हो तो आपको फटाफट लेफ्ट राइट स्मॉल जिगल करना है, ताकि एनिमी आपको ट्रेस ना कर पाए। अपने इधर थोड़ा स्लो दिखता है अपना कैरेक्टर, लेकिन एनिमी की साइड से काफ़ी फास्ट दिखता है ये जिगल। तो गाइज़, आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोज रेंज में आपको कैसे स्मॉल जिगल करना है। एंड अब मैं आपको बताऊंगा मिड रेंज के लिए, मिड रेंज में आपको कैसे जिगल करना है। सो गाइज, मुझे मिड रेंज में सबसे बेस्ट जिगल प्लस क्राउच फायर लगता है, जिसमें कि आप एनिमी के हेड एम से भी काफ़ी ज़्यादा बचते हो और आप इजी एनिमी को मार सकते हो। क्योंकि गाइज, सामने वाला जो अपोनेंट है वो पूरी ट्राई करता है हेड कनेक्ट करने के लिए, लेकिन आप अगर क्राउच फायर करोगे तो वो आपका हेड कनेक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे कि आप हेड से भी बच सकते हो एंड उसको पहले फिनिश कर सकते हो। तो हाँ, इसीलिए मुझे सबसे बेस्ट जिगल प्लस क्राउच फायर लगता है मिड रेंज में। तो गाइज, ये हो गया अपना क्लोज रेंज और मिड रेंज के लिए। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग रेंज के लिए। तो गाइज, अगर आप लॉन्ग रेंज फाइट लेते हो तो हमेशा याद रखना, आपको पूरा लंबा जिगल करना है, आपको स्मॉल जिगल नहीं करना है लॉन्ग रेंज में। पूरा लेफ्ट से पूरा राइट पूरा जिगल करना है लॉन्ग रेंज में आपको, क्योंकि लॉन्ग रेंज में ये सबसे बेस्ट रहता है। तो गाइज देखो, मैंने तीनों जिगल के बारे में आपको बता दिया, एंड अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको एम ट्रेस करना है क्लोज रेंज में, अच्छे तरीके से फाइट लेनी है। तो आई होप कि यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो अब अपन बात करेंगे क्लोज रेंज के लिए, तो वीडियो यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना। तो गाइज देखो, क्लोज रेंज में जिगल कैसे करना वो तो मैंने आपको बता दिया, एंड सेकंड चीज जो आती है वो क्रॉस हेयर के लिए है। क्रॉस हेयर आपका जो फोकस है वो पूरा क्रॉस हेयर पे होना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से एनिमी को ट्रेस कर पाओ। काफी बंदे क्या गलती करते हैं कि आधा ध्यान अपने जिगल पे लगाते हैं एंड आधा ध्यान एनिमी पे लगाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आपका पूरा फोकस जो है आपके क्रॉस हेयर पे होना चाहिए। आपको पूरे ध्यान से अपने क्रॉस हेयर को देखना है कि एनिमी किधर जा रहा है और मेरा क्रॉस हेयर किधर जा रहा है। पूरा ध्यान वहीं पे होना चाहिए आपका, और कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, ना जिगल पे होना चाहिए ना अपने कंट्रोल्स पे होना चाहिए। आपको पूरा ध्यान जो है अपने क्रॉस हेयर और एनिमी पे होना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से अपने एनिमी को ट्रेस कर सकते हो एंड इसमें आप क्लोज रेंज में बेस्ट अपना दे सकते हो। तो हाँ, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। सो गाइज, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।